वेलकम टू डाउट बस्टर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को किसने इन्वेंट किया था। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को इन्वेंट किया था साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और ये उस टाइम पे न्यूमोनिया के पेशेंट्स के लंग्स के टिश्यूज को स्टडी कर रहे थे, है ना। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वॉज डिवाइज्ड बाई बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम और इन्होंने ये इन्वेंशन कब किया था, इन्होंने ये इन्वेंशन किया था 1883 में, इन 1883। एंड सेकंड पॉइंट, इस दौरान वो निमोनिया पेशेंट्स के लंग टिश्यू सेक्शन को स्टडी कर रहे थे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही स्टडीड लंग टिश्यू सेक्शंस ऑफ निमोनिया पेशेंट्स। क्रिश्चियन ग्राम ने इस टेक्निक में सेफ्रनिन डाई का यूज नहीं किया था, इसलिए वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो थे उनको वो विजुलाइज नहीं कर पाए थे। वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही माइक्रोस्कोप के अंडर विजुलाइज कर पाए थे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑब्जर्व्ड ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया थे, इनमें थे स्टेफाइलोकोकस बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज इसके बाद में एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट आए, कार्ल वीगल्ट। इन्होंने इसी ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल किया एक काउंटर स्टेन डाई का, जो कि सेफ्रनिन कहलाई गई, और फिर इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। तो हम लोग लिख सकते हैं जर्मन पैथोलॉजिस्ट कार्ल वीगल्ट यूज्ड सेफ्रनिन एज अ काउंटर स्टेन एंड विजुअलाइज्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे कि स्टेनिंग क्या होती है, व्हाट इज स्टेनिंग। तो स्टेनिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि ताकि हम किसी भी बैक्टीरियल सेल को या किसी भी एनिमल के सेल को, ईस्ट सेल को, उसको हम एक कलर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर विजुलाइज कर सकें, एक आर्टिफिशियल कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज स्टेनिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टेनिंग इज द
आर्टिफिशियल कलरेशन ऑफ सब्सटेंस, स्टेनिंग इज द आर्टिफिशियल कलरेशन ऑफ सब्सटेंस, स्टेनिंग इज द आर्टिफिशियल कलरेशन ऑफ सब्सटेंस टू एग्जामिन द टिश्यू, टू एग्जामिन द टिश्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एग्जामिन द टिश्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप तो ये हो गई स्टेनिंग की डिफिनीशन। स्टेनिंग दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव स्टेनिंग और एक होती है निगेटिव स्टेनिंग। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो स्टेन को अट्रैक्ट करते हैं या वो स्टेन को अपने आप में अपने अपने साइटोप्लाज्म में अपने सेल वाल में ट्रैप कर लेते हैं और बैकग्राउंड क्लियर रहता है। वहीं निगेटिव स्टेनिंग में बैकग्राउंड स्टेन होती है और जो सेल्स होते हैं वो कलर को रिटेन नहीं करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव स्टेन और निगेटिव स्टेन। तो पॉजिटिव स्टेन क्या होता है, पॉजिटिव स्टेन में होता है सेल्स आर कलर्ड और बैकग्राउंड क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल में आ जाता है ग्राम स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ग्राम स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग। सेकंड, ये हो गई पॉजिटिव स्टेनिंग। अब देखेंगे नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि इसमें जो सेल्स हैं वो स्टेन नहीं होती है, सेल्स स्टेन नहीं होंगी, बैकग्राउंड स्टेन होगा। तो हम लिखेंगे सेल्स आर क्लियर एंड बैकग्राउंड टेक्स कलर। इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा इंडिया इंक और निग्रोसिन। एग्जाम्पल में आ जाएगा इंडिया इंक एंड निग्रोसिन। नाउ वी विल सी कि हम कौन कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, है ना। तो सॉल्यूशंस यूज्ड, तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल वायलेट। एक बेसिक डाई होती है, इसका कैरेक्टर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और ये क्या होता है, ये एज अ प्राइमरी स्टेन होता है जब हम ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं। सेकंड हम यूज़ करते हैं ग्राम्स आयोडीन। ये क्या है, ये मॉर्डेंट की तरह यूज होता है। मॉर्डेंट का मतलब होता है कि ये किसी चीज़ को किसी सब्सटेंस से फिक्स करेगा, है ना, जस्ट लाइक अ फिक्सिंग एजेंट। थर्ड हम यूज़ करते हैं एल्कोहल या एसीटोन का। इसका क्या फंक्शन होता है, ये होता है एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं सैफ्रनिन या फिर न्यूट्रल रेड। ये होता है हमारा काउंटर स्टेन। क्या होता है, काउंटर
स्टेन, इसको सबसे लास्ट में अप्लाई किया जाता है। तो ये चार सॉल्यूशन हैं, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम सायोडीन, एल्कोहल या एसीटोन और सैफ्रेनिन या न्यूट्रल रेड। अब हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंस, है ना। तो इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग टेक्निक सबसे यूजफुल इस मामले में है कि हम इसके हेल्प से किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना। रैपिडली, ये एक रैपिड मेथड है, हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो पहला पॉइंट बनता है यूज्ड एज अ रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। सेकंड, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बैक्टीरिया अलग अलग डाई को रिटेन कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर लेता है, पर्पल कलर का हमें दिखता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैफ्रेनिन को रिटेन कर लेता है और वो रेड कलर का दिखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू डिटरमाइन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके मदद से हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी और उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टडी मॉर्फोलॉजी मतलब कि आकार, दिखता कैसा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रॉड शेप का है कि राउंड शेप का है, इसको भी हम इस स्टेनिंग की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अरेंजमेंट क्या चीज़ होता है? अरेंजमेंट होता है कि वो किस तरीके से व्यवस्थित है। जैसे स्टेफाइलोकोकस, तो स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, ये बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं और क्लस्टर्स में, गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं, है ना। टू स्टडी मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इसके हेल्प से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में कैप्सूल है या नहीं, या बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग है या नहीं। तो नेक्स्ट, टू स्टडी वेदर बैक्टीरिया एग्जिबिट कैप्सूल और स्पोर्स। तो ये हो गई ग्राम स्टेन टेक्निक की इम्पॉर्टेंस। हम इसका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो बनाएंगे सेकेंड पार्ट में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर और इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेलवाल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।